तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर आया हूँ, आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है ये हमारा योफाई का ही टॉपिक होने वाला है। और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं योफाई के माध्यम से, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग मोबाइल फोन के अंदर योफाई के माध्यम से फ्लैशिंग कैसे करते हैं। योफाई के माध्यम से हम लोग फ्लैशिंग कैसे करते हैं, योफाई के माध्यम से फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। कि कोई भी मोबाइल फोन आएगा, उस मोबाइल फोन को आप लोग एमएमसी को उतार करके डायरेक्ट उसको फ्लैश कैसे करने वाले हैं, उसका तरीका दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम राघवेंद्र और मैं ईटेक इंस्टीट्यूट कानपुर से बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको मोबाइल फोन या लैपटॉप है इस तरीके से रिपेयरिंग के टेक्निकली कोर्स आपको सिखाए जाते हैं। यहाँ पर हम लोग बेसिक फोन से लेकर स्मार्टफोन, एंड्रॉयड मोबाइल फोन, आईफोन, टैबलेट्स या जितने भी तरीके के गैजेट्स आते हैं जिसके अंदर सिम डलता है, जो मोबाइल फोन की कैटेगरी में आता है, उन सभी चीजों के बारे में आपको ए से लेकर जेड तक आपको कंप्लीट ट्रेनिंग आपको दी जाती है। और अगर आप इसी लेवल की कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और आकर के मोबाइल फोन रिपेयरिंग के कोर्स को सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। अच्छा, ये जितनी भी सारी वीडियो देता हूँ तो मैं सारी वीडियो के लिए, मैं स्टूडेंट के लिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग सीखने के लिए इच्छुक हैं, जो सीखना चाहते हैं, यहाँ पर आना चाहते हैं, तो वो लोग पहले 5, 10, 15, 20 वीडियो को, डेमो वीडियो को देखें। वीडियो देखने के बाद फिर ये निर्धारित करें कि मेरे को सर के पास सीखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। और कोई भी अगर दिमाग के अंदर दुविधा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो नीचे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर संपर्क कर सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग कर सकते हो और देख सकते हो कि क्लासेस कैसे रन होती हैं। और मेरे पास, आप इतना दूर से, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, आसाम, बहुत दूर दूर से बच्चे सीखने के लिए आते हैं, तो इतना दूर आने से पहले आप चाहो तो वीडियो कॉल करके देख सकते हो कैसे क्लासेस होती हैं, जिससे आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहली बात क्या है कि आज हम लोग, हमारा जो टॉपिक होने वाला है कि हम लोग योफाई के माध्यम से फ्लैशिंग करने वाले हैं, फ्लैशिंग का तरीका क्या होता है उसका हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। सबसे पहली बात, योफाई के माध्यम से फ्लैशिंग करने के लिए आपका तरीका क्या, मैं स्टेप आपको बता भी देता हूँ, स्टेप बताने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अपना सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, योफाई एमएमसी टूल, योफाई एमएमसी टूल जो होता है, इस टूल को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद टूल ओपन हो जाएगा। टूल ओपन होने के बाद आपको आइडेंटिफाई एमएमसी कर देना है। क्या कर देना है, आइडेंटिफाई एमएमसी। जैसे आप आइडेंटिफाई एमएमसी करेंगे तो उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फैक्ट्री इमेज, फैक्ट्री इमेज में जाएंगे। फैक्ट्री इमेज में ऑप्शन आपको मिलेगा वेंडर, प्लेटफॉर्म, सीपीयू, इस तरीके से ऐसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा। आप उसमें से ओपन करेंगे, फिर यहां पर आपको, जब आप देखेंगे तो यहां पर सीपीयू सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सीपीयू सिलेक्ट का मतलब होता है कि आप उस मोबाइल फोन में ये सीपीयू ये सिलेक्ट करेंगे कि आपके मोबाइल फोन के अंदर जो फाइल आप डाल रहे हैं ये क्वालिकॉम की है या मीडियाटेक की है, कि एसपीडी की है, कि सैमसंग की है, इस तरीके से ऐसा कुछ आपको इंटरफेस लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर मान लिया आपके पास कोई मोबाइल फोन क्वालिकॉम आता है तो आप क्वालिकॉम को ले लीजिए, अगर आपके पास कोई मीडियाटेक मोबाइल फोन आता है तो मीडियाटेक ले लीजिए। जैसे आज मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक मोबाइल फोन आया था, उसकी हम लोगों ने एमएमसी को उतारा था, पोको C50, पोको सी फिफ्टी, हाँ पोको 50 करके मोबाइल फोन आया था। और इस मोबाइल फोन के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि वो मोबाइल फोन लोगों पे खड़ा हो रहा था, लोगों पे खड़ा होने के बाद बंद हो रहा था, जो हम लोग उसको यूएसबी के माध्यम से, डोंगल के माध्यम से जो हम लोग फ्लैशिंग कर रहे थे तो फाइल को नहीं ले रहा था, उसमें डिटेक्टिंग चिप फेल का मैसेज आ रहा था। तो हमने उस आईसी को पूरा प्रोग्राम किया, अब हम उसकी फ्लैशिंग करने वाले हैं। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाना भी चाहता हूँ कि कैसे योफाई के माध्यम से हम लोग फ्लैशिंग करेंगे, उसका तरीका क्या होता है, ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ और आपको करके भी दिखाता हूँ। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको फ्लैशिंग करने का तरीका बताया। जब आप मीडियाटेक में चले जाएंगे तो सेम मीडियाटेक के अंदर MT.scatter फाइल को लोड कर देंगे। जैसे फाइल को लोड कर देंगे और आपके मोबाइल फोन में फ्लैशिंग हो जाएगी। क्वालिकॉम में क्वालिकॉम की फाइलों को लोड करना होता है, एसपीडी में एसपीडी को लोड करना होता है, सैमसंग में सैमसंग की फाइलों को लोड करना होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं कि फ्लैशिंग करते कैसे, उसके लिए हम लोग अपने सिस्टम पे चलेंगे। तो ये हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के आने के बाद सबसे पहली बात क्या करना होता है, आपको कैसे कनेक्ट करना होता है, मैं आपको पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप सब बता देता हूँ। सबसे पहली बात, एक केबल होती है, इस केबल को हमको सिस्टम पे लगाना होता है।
फिर आपके साथ में ये यो फाई बॉक्स आता है, ये देखिए दोस्तों यो फाई बॉक्स होता है, इसको सिस्टम पे लगाने हैं। जब यो फाई बॉक्स को सिस्टम पे लगा देंगे तो सिस्टम पे लगाने के बाद इसके अंदर देखो ये एमएमसी आईसी लगी होती है, ये देखिए ये एमएमसी आईसी लगी। इस एमएमसी आईसी को हम लोग क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। इसका एमएमसी कहाँ गया, एक मिनट को जरा मैं एमएमसी लगाता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एमएमसी को इसमें कनेक्ट करेंगे। ये इस तरीके से एमएमसी आईसी होती है, इस आईसी को हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारे सॉफ्टवेयर में आएगा और हमारा पूरा सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा। जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो आपको इस आईसी के अंदर कोई सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, पूरा आईसी खाली है। तो हम लोग इसको फ्लैशिंग करेंगे। फ्लैशिंग करने के लिए आपको फैक्ट्री इमेज में जाना पड़ेगा। कहाँ पर जाना पड़ेगा दोस्तों, फैक्ट्री इमेज में। फैक्ट्री इमेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात अपना सीपीयू सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन से मोबाइल फोन का सीपीयू ले रहे हैं। जैसे मीडियाटेक ले लिया, मीडियाटेक लेने के बाद आप यहाँ पर पूछेगा कि फाइल कैसे लोड करेंगे, तो यहाँ पर स्कैटर में क्लिक करेंगे। जब आप स्कैटर में क्लिक करेंगे तो ये आपका सिस्टम खुल जाएगा। सिस्टम के लिए आप डेस्कटॉप में जाएंगे। डेस्कटॉप में आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पोको C50, पोको 50 करके लिख के आ रहा है। इसे हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इमेज फाइल है, इसको ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फाइल आती है जिस फाइल का एक्सटेंशन होता है mt.scatter। ये देखिए मैं मार्क कर दिया हूँ इस फाइल को। हम इस तरीके से फाइल को हम लोग क्या कर लेते हैं, लोड कर लेते हैं। जैसे फाइल को आप यहाँ लोड करने के बाद ओपन करेंगे तो ओपन करते ही यहाँ पर पूरी इसकी सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन आने के बाद आप इसमें क्या कर देंगे, यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए नीचे राइट का ऑप्शन आता है। जैसे आप राइट पर क्लिक कर देंगे तो राइट पर क्लिक करते ही मोबाइल फ़ोन के अंदर फ्लैशिंग के लिए चालू हो जाएगा, कि मतलब एमएमसी आपके फ्लैश होना चालू हो जाएगी। अब इसको फ्लैशिंग होने के लिए यहाँ पर समय लिख करके आता है। जैसे 17 मिनट का समय लिख रहा है, 27 मिनट का समय लिखता है। एक एक करके जितनी भी सारी फाइलें होती हैं, सारी फाइलें जो होती हैं हमारी एमएमसी आईसी के अंदर क्या होती हैं, राइट होती हैं। जब सारी फाइलें एमएमसी आईसी के अंदर राइट हो जाएंगी तो राइट होने के बाद आपकी एमएमसी पूरी कंप्लीट फ्लैश हो जाएगी। फ्लैश होते ही मोबाइल फ़ोन के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अच्छा, मोबाइल फ़ोन में फ्लैशिंग करने के लिए यहाँ पर समय भी लगता है। अगर यूफाई के माध्यम से अगर आप मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करते हैं तो फ्लैश करने में कम से कम नहीं अगर देखा जाए तो 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, दो दो घंटे घंटे दो दो घंटे का भी समय लगता है। डिपेंड करता है आपके फाइल के ऊपर, डिपेंड करता है कि मतलब आपके फाइल का ओएस का साइज कितना बड़ा है। जितना बड़ा ओएस का साइज होता है उस हिसाब से उसमें से मोबाइल फोन में फ्लैशिंग होती है। और जब फ्लैशिंग हो जाएगी, आपके मोबाइल फोन में फाइल आ जाएगी, फिर जब आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो इन्फॉर्मेशन लेने पर यहाँ पर सॉफ्टवेयर की पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर लिख के आ जाएगा एंड्रॉयड इन्फो, यानी एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, और पूरा लिख के आ जाएगा कि इसमें से ये C50 ये सॉफ्टवेयर आ गया है, इसमें ये CPU लगा हुआ है, ये वर्जन है, ये पूरी डिटेल वगैरह लिख के आ जाती है। अगर पूरी डिटेल लिख करके आ जाती है तो हम लोग समझ जाते हैं कि हमारी MMC IC फ्लैश हो चुकी है। और फ्लैश होने के बाद उस IC को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और बोर्ड में लगा देते हैं। और बोर्ड में लगाने के बाद मोबाइल फ़ोन को चालू करके देखते हैं। तो इस तरीके से कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन में आप MMC को निकाल करके यूएफआई के माध्यम से हम लोग फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो आज का तरीका दोस्तों मैंने आपको बताया कि यूएफआई के माध्यम से कोई भी मोबाइल फ़ोन आता है तो उस मोबाइल फ़ोन को फ्लैश कैसे किया जाता है, फ्लैश करने का तरीका क्या है, फ्लैश करने का सिस्टम क्या है, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि यूएफआई के माध्यम से आप आईसी को उतार करके उसको कैसे फ्लैश करेंगे, उसका तरीका दोस्तों हम लोगों ने सीखा हुआ है। यहाँ पर फिर ये एक एक करके जितने भी सारे जो भी CPU आएंगे वो CPU को अलग अलग सिलेक्शन लेना पड़ेगा और अलग अलग फाइलों को मोबाइल फ़ोन के हिसाब से फ्लैश फाइल को लोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में इतना ही। आज हम लोगों ने सीखा है कि यूएफआई के माध्यम से फ्लैशिंग कैसे करते हैं, फ्लैशिंग करने का तरीका क्या होता है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सारे जो स्टूडेंट लोग आते हैं सीखने के लिए, उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पूरा क्लास में सिखाया जाता है, उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, उनको एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में समझाया जाता है। और अच्छा, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल जीरो हैं इस लाइन में, बिल्कुल फ्रेश न्यू हैं, तो वो लोगों के लिए एक अलग से स्पेशल बैच चलता है कि मतलब भाई उनको कोई मोबाइल फ़ोन खोलना नहीं आता,
मोबाइल फोन में पार्ट्स चेंज करना नहीं आता, आज तक उन्होंने आयरन का या मल्टीमीटर ऐसी चीजों को यूज नहीं किया हुआ है, तो उनके लिए घंटे 2 घंटे 3 घंटे का एक अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस चलता है ताकि वो उन लोगों का हाथ साफ हो सके, प्रैक्टिस कर सकें कि मतलब कैसे आप जम्पर लगाएंगे, कैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग कनेक्टर लगाएंगे। क्योंकि भाई मोबाइल फोन में आप ठीक तभी कर पाएंगे जब मोबाइल फोन में आयरन कहिया, मल्टीमीटर, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होगा। तो जो ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो फ्रेशर होते हैं, तो फ्रेशर के लिए एक अलग से स्पेशल बैच चलता है ताकि उन बच्चों को अच्छी तरीके से खड़े हो सके, काम कर सके, और उनको कभी ये परेशानी ना हो कि भाई देखो हम फ्रेशर थे तो इसलिए हम नहीं सीख पा रहे हैं, ऐसी कोई दुविधा उनके अंदर कोई परेशानी ना रहे। तो दोस्तों अपना ट्रेनिंग सेंटर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, 600-800 मीटर की दूरी पर है, आराम से आप पैदल के डिस्टेंस से आप आ भी सकते हैं। और जितने भी सारे जो दूर के स्टूडेंट हैं वो अभी फरवरी में, अभी 5 फरवरी तक अभी सारा नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोगों को आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं और अपने कोर्स को सीख करके जा सकते हैं। और अच्छा, ये सारी चीज़ें हम लोग इसी सीखते हैं ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सीख जाए, बढ़िया तरीके से काम करें। अब मोबाइल फोन ऐसा डिवाइस है जो आजकल हर एक आदमी की जरूरत है, हर एक आदमी के हाथ में है, और अगर आप अपनी दुकान को अच्छी चलाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से काम करना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल फोन की कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और दोस्त अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, और चैनल से जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हम आपको इस सब चीज़ों को सिखाने में इतनी मदद करते हैं और आप अच्छे से सीख रहे हैं तो एक अच्छा सा पॉजिटिव मैसेज भी दें कि सर हमको ये सारी चीज़ समझ में आई, और जो चीज़ नहीं समझ में आई उसका भी आप मैसेज दें। और वीडियो अगर आपने देख लिया है तो उस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी ऐसे आप जैसे लोग हैं जिन लोगों की मदद हो सके और वीडियो के माध्यम से काफ़ी चीज़ों को सीख सकें। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।